ये दांत नहीं, ये मैडम जी, ये है, ये दांती है। हेलो, क्या हाल है ताऊ ताई अड़ियो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सारे ना। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, तो भाई आज मौसम भी बढ़िया है। सुबह सुबह धूप निकल गई है, हम जा रहे हैं खेत के अंदर। खेत से ज्वार लेके आने, 4 दिन हो गए खेत में गए भाई, मैं तो जाते नहीं भाई, बारिश के दिन खेत में बंद। हाँ, ये देखो भाई, ब्लॉग बनाने आते ना, ये चिरकुटन बीच में आ जाती है। बोल बोल के कहा बगजूंगा, तो क्या तो बोल रहा, है? देख बस गई तेरी, बस ले, बस का नाम लेंदे सांप गई। तो यार खेत में मिलते हैं, खेत के हालात दिखाते हो भाई आप लोगों को। तो फाइनली भाई आप वहाँ बड़ी मशक्कत के बाद खेत में पहुंच गए। मशक्कत पक्की करनी पड़ी थी भाई, मजाक नहीं कर रहा। ये स्कूटी ने ऐसे लहरा दी थी जैसे सांप बन गई हो। इसको छोड़ दिया मैंने यहीं पे भाई, मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा। लेक तो मैं इस पे भी जाता, इसको रहने तो भाई, ज्यादा स्टार्ट करने अच्छे नहीं होते। और खेतों की हालात बताऊं तो आप लोगों को भाई, नुकसान तो हुआ फसलों को बहुत ज्यादा। चलो अब क्या कर सकते हैं भाई, मौसम के आगे तो किसी की ना चलती। और थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदमों के साथ अपना जुबैर के पास जाऊं मैं तो। और मैं थाने एक चीज और बताऊंगा, पूरे जाके बताता हूँ, मैं पहला पहुंच जाऊंगा, ठीक है? ये देखो भाई, आपने तो यह जुबैर रहेगी भाई, किसी पर जुबैर दूर फालतू तो खड़ी है, बताइए मना कमेंट में भाई, लेना है करूंगा मैं जुबैर। और पता आप लोगों ने एक बात बताओ मजे की, ये सारी जुबैर मना काटी है। कोई बात नहीं, सपना में काटी जरूर है, फिर काटी है। है? अच्छा मम्मी तो काटे यार जवार, चल तो काट दे काट दे काट दे। मैं काट लू मम्मी, मैं काटूंगा नहीं, धरती पैट का धरती नू की जवार जड़प में क्या हुआ भाई, अपने साथ जवार काटनी पड़ेगी। चलो काटते हैं भाई, तो जवार जरूर काट लियो यार, फिर मिलता हूँ सरता। हम तो सारा दिन उड़ा खड़े रहोगे, जवार काटनी जरूरी है, नहीं करके मरे लटता है सिर पर। ये दांत नहीं, ये मैडम जी, ये है, ये दांती है। ये थाने एक तो आंख बिछनी पड़ रही है भाई, ये दांत नहीं मैडम, ये दांती है। और कुछ बाद में देखेंगे, पहला जवैर काटी है, 5 डबड़े जवैर काटी है दांती ने। ये एक और रह रहे योर कैट खेत, मतलब जवैर लिया है, जवैर के भाई पान ई भी लग रहे हैं, पूरा चिकड़ हो रहा है भाई, आला दिखाऊं तो। अरे मतलब पानी है, नोको नहीं है भाई, सूखे है, देखो पचर पचर पचर, दौड़ दौड़ खाते जाते सुते हैं, काम मेरे खेता है, मजा आ रहा है बाकी। हेलो फ्रेंड, लग रहा हूँ ना एकदम, मतलब एक नंबर है तेरा भाई, कैसा लग रहा हूँ? नहा धो के तैयार हो लिए, अभी अपना ना ये रात वाली एडिट वीडियो ना एक बार चेक कर लूँ, कोई कमी शमी ना रहेगी जो भाई, जल्दबाजी अब अपना वीडियो में ना, कोई वीडियो में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, 1 घंटा लेट आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा लेट आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते लेट आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, फिर वीडियो में पूरी 2 बार चेक करके फिर डाला करूंगा भाई। अब आप ऐसी गलती करेंगे नहीं, तो पहले मैं बड़ा वीडियो देख लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, बाकी आप लोग तो देख ही लोगे ये वीडियो। आपने यार सुधो स्कूल में पहले ही डेली भाई कदे की आर, उसके तो कुछ सुन पाए नहीं, सांझ ने सुना उसके तो डायलॉग थोड़े बहुत, तेरा क्या करना पट्टी को नहीं करूँ पट्टी, और ये सारा सामान समेट लियो भाई, सारा सामान बिखरा पड़ा, रोज गए काम ये हुए है, समेटना समेटना सारा सामान समेट के फिर आप लोग ना शहर में ही मिलते हैं, वहां पे अपने थोड़े बहुत काम रहते हैं, और कर लेते हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा अपना, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं, क्या प्लानिंग में चेंजिंग आएगी, कुछ नहीं कह सकते भाई, अपना काम ही ऐसा रहता है भाई, कहते कुछ और हो जाता है कुछ और है। तो फ्रेंड्स शहर में आ गए, काम है ही नहीं कुछ, आज कुछ है ही नहीं, कड़ा खातर फोन आया, मैच भी आ गया अगला की डेढ़ी मर गई, कोई बात नहीं, तो ब्लॉग डाल दिया। और वैसे 10-2 मिनट में पहुंचने का, डॉक्टर भी आएगी, माँ ठीक है भी आएगी, भाई बहुत किए भी, तो ब्लॉग अपना डल गया। नवरात्रि की सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं, नवरात्रि का फर्स्ट दिन है भाई, और शहर के अंदर बहुत ज्यादा क्राउड है भाई,
एक गली में घूमने के लिए ना आपको भाई पूरा ये समझ लो कि एक आधा एक घंटा पक्का लग जाएगा, इतना क्राउड है भाई शहर के अंदर भाई। नवरात्र जैसे ही श्राद्ध खत्म हुआ पता नहीं लोग कहाँ से निकल के आए इतने ढेर सारे भाई, सारा ऐसे सारा एरिया ना पूरा एरिया में जाम है भाई। चलो बढ़िया यार, मार्केट में भीड़ होगी तो भाई लोगों को काम मिलेगा। तो अब मैं आप लोगों ने एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो चीज़ मैंने की है, लेकिन डिस्कवर में किसी ने की नहीं होगी शायद, अपने डिस्कवर पर वो चीज़ होने वाली है, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा मोटिवेशन करती है अपनी बाइक का है, अपनी बाइकों पर ना ये पीछे वाला ऐसे लगता था, अब अपने ने ये लगाया और इसके पे किस चीज़ के लिए लगा नहीं अभी बताऊंगा नहीं आप लोगों के लिए। मेरे माइंड में ना एक बहुत खुराफाती दिमाग में ना कुछ चल रहा है, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों क्या करने वाला हूँ मैं इसका। ये बहुत बढ़िया लगेगा, आप लोग बोलोगे ना हाँ भाई इसमें भाई क्या बनाया आपने, एक नंबर का, कहीं बार बार जाएंगे ना तो भाई उसके लिए बड़ा काम आएगा ये पहले इसको बना देते हैं ना पूरा फिट। और इसके अंदर ना एक चीज़ रहेगी कि बाइक को कहीं पर भी टच नहीं होगी बाइक अपनी, ये चीज़ बहुत ना पूरा सोच समझ के रखा मैंने, बताता हूँ मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? शाम का टाइम हो गया भाई, और दो चीज़ें बताऊंगा। पहले आप लोगों को भाई नवरात्रि के अपने पहले दिन की शुभ, पहले दिन के साथ आपको नवरात्रि के पहले दिन के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी फैमिली की तरफ से। और दूसरा बात क्या है कि अपने बाइक के पीछे ना जो स्टैंड लगाया ना मैंने, ये कुछ सोच समझ के लगाया मैंने, वो कल वाली वीडियो में बता दूंगा मैं आप लोगों को भाई हम उसके साथ करना क्या चाहते हैं। बाकी एक बात माननी पड़ेगी हीरो होंडा वालों की कि बंदों ने भाई इतना बढ़िया स्टैंड लगा रखा है भाई, गजब का भाई, ये ना ये हिलने वाला नहीं है ना टूटने वाला भाई, कितना बंदा लगा लो आप इसके अंदर, एक नंबर की चीज़ बना रखी भाई कुछ भी हो। और बाकी कई बाइकों में देखो बड़ी बड़ी बाइकें देखते हैं वो पीछे चीज़ें ना अलग से देते हैं, दो हज़ार की, तीन हज़ार की, इसका मैं टोटली कॉस्टली बताऊँगा आप लोगों को कितना खर्चा आएगा कितना नहीं, वो चीज़ पूरी बनने के बाद ही दिखाऊंगा आप लोगों को। और उसका कल को देखते हैं, कल को अगर टाइम मिला ना तो इसको कंप्लीट कर देंगे, और यही वीडियो में आपको पूरा ये बता दूंगा और ये किस पर्पज के लिए बना के क्या पूरा दिखाई दूंगा बना के भाई, हाँ भाई हम लोगों ने किस चीज़ के लिए बनाए। और कल को फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, तो बाय बाय।